हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब फिट होंगे, फाइन होंगे, मजे में होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, भाग के जाएं, दौड़ के आएं, सब्सक्राइब करके आएं। और कल आप लोगों ने देखा था ब्लॉग, जैसे कि था सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है, फिट है, फाइन है। बस दुआओं में अपनी याद रखें और दुआओं की शदीद जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे आपको पता है मेरे दांतों में बहुत ज्यादा पेन था, तो बहुत दिन हो गए, मैंने कहा कुछ करें दांत का, उसके रूट कैनाल के लिए जा रहे हैं और अपनी तैयारी, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर से मशवरा लेते हैं कि रूट कैनाल लॉन्ग लास्टिंग है, दांत निकलवा दें। दांत नहीं निकलवाऊंगी, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ ना इतनी एजेड हुई हूँ, तो अभी जाते हैं और देखते हैं। पहले सबसे पहले कर देते हैं ड्रेस चेंज, फिर आप लोगों से मिलते हैं, फिर अब्बू भी आज शायद जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या खाना पीना भी बाहर से खाएंगे, गर्मी बहुत है, मैंने कुछ नहीं पकाया है, कुछ नहीं पकाया है, बस नमाज वमाज पढ़ी और कुछ नहीं किया है। गाइस अम्मी और मेरा ड्रेस था बिल्कुल सेम सेम, आप लोग देख सकते हैं, हम दोनों ने सेम सेम लिया था। और नेमी की फ्रॉक कुछ इस टाइप की है, नेमी की फ्रॉक ऐसी है। हमने एक ग्लासेस इसलिए लगाए हुए, हमने एक वीडियो बनाई थी, वो जाके आप हमारे टिकटॉक पे देखें। अम्मी आप तो बिल्कुल ऐसी लग रही है, अंधे को इमदाद दे दे बाबा, वेल्डिंग वाला, वेल्डिंग वाला, हाँ वेल्डिंग वाले भी बाबा, तो आपको अम्मी ड्रेस दिखाने में हटे, ड्रेस ड्रेस दिखाने में हटे नेमी। अम्मी आप तो ऐसे खड़ी हो उस तरफ ऐसे, सो ये है हमारी ड्रेस। नेमी आप तो हटे अम्मी और मेरा ड्रेस करीब अम्मी, तो ये अम्मी और अम्मी का, अच्छा अम्मी का डिजाइन थोड़ा सा यू है और मेरा इस, वो मैंने दर्जी को बोला था इस तरह से बनाएगा। अम्मी अंधों की इमदाद खत्म करें। सो गाइस अब बस जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि दांत में बहुत ज्यादा पेन है, दर्द भी है, वीडियो भी बनानी है, काम भी बहुत करने। सो ड्रेस और जाके मेरी टिकटॉक देखें नुसरत फजल के नाम से, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है, फिर बताऊंगी दुकान कहाँ से लिया था, साबिर की शॉप से, साबिर की शॉप नंबर से लिया था। गाइस बहुत जबरदस्त मिला है, बहुत जबरदस्त मिला, दूर जाते तो हमारी शलवारें भी सेम सेम है, देखें इस तरीके की है, इस तरह की है, देखें ये हो गई हमारी मॉडलिंग कैटवॉक। तो इस तरीके की हमारा ये ट्राउजर अलग है, शर्ट अलग है, टू पीस था ट्राउजर ऐसा है, देखें ये जिसमें ना लाइन है वो ये ट्राउजर, ये हमने लिया था साबिर की शॉप से, साबिर की शॉप से आए एक दिन मैं गई, नेक्स्ट टाइम 8 नंबर गई, ये सूट पहले ले लिए थे, नेक्स्ट टाइम 8 नंबर गई, मैंने कहा अम्मी साबिर की शॉप में चल रही है, इनसे साबिर नहीं छूट रहा था। अम्मी ने बोला तुम्हें इतना साबिर याद क्यों आ रहा है, मैंने बोला अम्मी उसके पास कपड़े बहुत प्यारे और रीजनेबल भी बहुत थे, रीजनेबल भी बहुत थे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लगा ले बाल बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, बस लगा लेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल अप टू डेट तो रहे ना, झूम हो गई है लग रहा है मुझे आज, माशाल्लाह अब्बू का भी नसीब खुला है, अब्बू भी जा रहे हैं, अम्मी उधर चलो, अम्मी अब्बू भी जा रहे हैं भाई, वही उधर, तो अब हम लोग निकल गए हैं। पहले अम्मी कहाँ जाना है, खाना खाने डॉक्टर के पास? नहीं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाना है, देखो अब्बू ने भी ये कहा क्योंकि आपके दांत में है दर्द, अम्मी तो पहले खाना खा लूं यार फिर डॉक्टर के पास चलें, अरे यार फिर भी नहीं खोलेगा तुम्हारे दांतों से मेरी बदबू आएगी, स्मेल की बात नहीं है, बात नहीं मतलब आपके खाने की स्मेल आएगी ना, वो कहेंगे सब कुछ तो खा के आए दांत तो अच्छा था, भूख इतनी तेज लग रही है, तो फिर चलो पहले डिनर कर लेते हैं, पहले अब डॉक्टर के पास, ये फिर तो सुन होगा ना, फिर खाया नहीं जाएगा ना, मजा आएगा खाना, ये बाद ये जाते जाते हमें बकरे भी नजर आ गए, देखे बहुत प्यारे प्यारे से, अभी कितने दिन, कुछ ही दिन बाकी है बकरीद में, कितने की जोड़ी है, 220 की, अंकल बहुत नहीं है, फाइनल क्या करेंगे, आप क्या दोगी? हाँ आप क्या दोगी? एक बीस हाँ सही करके लगाओ, अच्छा चले ठीक है। तो यहाँ पे और भी है, कितने का ये वाला? 90 बकरे बहुत महंगे हैं, हम गाय में हिस्सा लेंगे, आप क्या दोगी? बस हम गाय में हिस्सा लेंगे भाई। तो गाइस अब हम लोग डॉक्टर के पास आ गए हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं और बस इंतजार इंतजार इंतजार, जो मुझे सब बुरा लगता है इंतजार, सबको ही बुरा लगता है। बैड न्यूज हम अभी मैं बताऊँ आपको, बैड न्यूज ये है कि देखें स्क्रीन पूरी टूट गई, पूरी स्क्रीन टूट गई है, ये बहुत दुख की बात हो गई है। एक से हम ब्लॉग बनाते थे, एक कॉल के लिए यूज़ कर रहे यूज़ करते थे, तो मतलब अब ऐसा हुआ कि रिश्ते नाते गाइस हम तो निकल गए थे लेकिन इतना रश हो रहा है, इतना रश हो रहा है हद से ज़्यादा, डॉक्टर के पास से तो काम नहीं हुआ, निकल गए डॉक्टर के पास नहीं गए,
लेकिन आ गए। अबू का फिश खाने का दिल था यहाँ पे, मैंने बोला अबू क्यों ले आए। अब हम पहुंच गए फिश खाने अम्मी, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हाँ, रेडियो पाकिस्तान से यहाँ तक का इलाका 1.5 घंटे में हमने पास किया। और डॉक्टर का काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो अम्मी ने कहा घर ही चलते। फिर इतने में अबू ने बोला मुझे फिश खिला दो। अबू फिश खाने का दिल था और काफी दिन से इनका दिल चाह रहा था। आप क्या खाएंगी? फिश। आमिर अंकल कहते कहते मर गए, आम खाएगा। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं ये अब्दुल्ला फिश पॉइंट पे। इसके अलावा हम किसी की भी नहीं खाते, इसकी बहुत टेस्टी होती है, नो डाउट। फिश तो हमारी आ गई, अब हम लोग खा रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा सा आज बैड लक चल रहा है अम्मी ना, इनके पास सारी मिर्ची है। हाँ। फिश भी इतनी ज्यादा ऑयल, बिल्कुल ऑयल ऑयल वाली दे दी थी। हाँ। तो ये अब अब्बू के ये सब प्लेट बन रही है। अब्बू को ला अम्मी, मुझे दे, मैं अब्बू को दो। मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे पेन बहुत है। बस अम्मी और अब्बू एंजॉय कर रहे हैं, अब्बू भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, गर्मी हो सर्दी हो खा ले, आप भी अम्मी के साथ खा ले। हमारी और फिश आ गई है, अम्मी कम ऑर्डर देकर आई थी। नहीं नहीं, फिश खाने से दिल नहीं भरता है, ये बात तो है। अम्मी कम ऑर्डर देकर आई थी, पर मैंने कहा अम्मी जब खा ही रही है दिल भर के खा ले, वैसे भी आपसे पैसे तो मुश्किल से निकलते हैं, आज निकाल ही दे। अम्मी को इतनी भूख लग रही है फिश के बाद, कहीं से बिरयानी भी पकड़ी है और अब खा रही है। ऐसा लग रहा है जिन उतर गया है पेट में, बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। तो सब कुछ खा ले नेमी, क्या तो सब कुछ खा ले। अब वो आपके विश पूरी हो गई फिश खा के? चले अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग फिश खा के आ गए, डॉक्टर को दिखा नहीं सके क्योंकि बस थोड़ा सा, और अब हम घर जा रहे हैं। अभी तक मोमल का असर क्या कर दिया? मोमल का असर क्या कर दिया? मोमल का बेचारी का, बस गर्मी बहुत है यार। सो गाइस, नेक्स्ट डे हो गया, ये मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, इसमें एग मायनीज पता नहीं क्या क्या मैंने ऐड किया, अपनी रेसिपी से बना लिया। और अम्मी आज जुम्मे का दिन है, अम्मी क्या पढ़ रही है? ये जरूर पढ़ते हैं जुम्मे को, इससे बहुत बरकत होती है, और एक इससे बहुत बरकत होती है, और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक इंसान बहुत अच्छा मतलब खुशहाल रहता है, और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आप लोगों ने जुमा पढ़ लिया होगा, नमाज आज माशाल्लाह बहुत बरकत दिन है, अल्लाह ताला सबकी दिलों की मुरादें पूरी करे। और गर्मी उरूज पर है, बस अल्लाह से, बस अल्लाहुम्म अजिनी मिनन नार, हर नमाज के बाद 7 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा बोला करें अल्लाहुम्म अजिनी मिनन नार, तो अल्लाह ताला बस बचाए हम सबको दोज़ख के आग से। अल्लाह ताला सुकून वाली ज़िंदगी हम लोगों को दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। और बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, आप लोगों का प्यार की बहुत, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुआ में याद रखिएगा फजल फजल की फैमिली को, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी फिश आ गई है, मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कि टेस्ट इसका कैसा है, और है वैसे जायकेदार, खाते रहते हैं, आप लोग भी आए अब्दुल्ला फिश में और फिश खा के जाए। देखिए मैं ये खा रही हूँ, बहुत मजे की। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह खाने खाती रहूंगी और फूड चैनल पे अपलोड करती रहूंगी, आप लोग देखना मत भूलिएगा। मैं रेसिपी भी डालूंगी, कुछ पकाऊंगी घर में, अभी तो गर्मी बहुत है, पकाऊंगी तो रेसिपी भी डालूंगी, वो भी याद से देखिएगा आप।